आज से कई साल पहले मार्टिन लूथर ने कहा, अगर तुम भाग नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, बट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू शुड मूव टुवर्ड्स योर गोल। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए आपके लाइफ के कुछ फ्लैशबैक्स पे चलते हैं। आपने ये ऑब्जर्व किया है, जब हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो पूरे एनर्जी और पूरे एफर्ट लगाते हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं हम कहीं टकरा ना जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए। पूरे अटेंशन लगा लेते हैं और फिर भी ये डर रहता है कि हम टकरा ना जाएं, कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। वो हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। पहले दिन हम जा रहे हैं ड्राइविंग में, ऐसा लगता है कि ठीक है हो जाएगा। फिर जब दूसरे तीसरे दिन जाते हैं और ये चीज़ हम रोड पर ट्राई करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। पर आज हम वही चीज फोन पे बातें करते करते कर ले जाते हैं। क्या हुआ, जो चीज हमें पूरे एफर्ट और पूरे अटेंशन के साथ में नहीं हो रही थी वो बिना हमारे ऑब्जर्व किए ही हो जा रही है, बिना हमारे अटेंशन के ही हो जा रही है। हम कहीं फोन पे बात करते रहते हैं, आराम से ड्राइव करते रहते हैं, हम कहीं और सोच रहे होते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं। ऐसा क्या ट्रांजिशन हुआ कि इतना बड़ा शिफ्ट आ गया? चलिए ये छोड़िए, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि अपने बचपन में स्कूल टाइम्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन रैंक वाले बच्चे ऐसे हमेशा फिक्स्ड होते थे, जो कि हमेशा ही फर्स्ट सेकंड थर्ड होते थे, प्री डिफाइंड कि ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा। मतलब हम प्री प्रेडिक्ट कर सकते थे कि ये हमेशा से फर्स्ट आया तो यही फर्स्ट आएगा, और वो आता भी था। और वही दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कि 33 के लिए स्ट्रगल करते रहते थे, एड़ी चोटी तक का जोर लगा लें लेकिन वो 35 से ऊपर या पासिंग मार्क्स से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते थे, पासिंग बाउंड्री में ही घूमते रहते थे। तो ऐसा क्या था डिफरेंस उन दोनों में? आपने बहुत सारे कंपनीज को देखा होगा, कई कंपनीज ऐसे होती है जो एक के बाद एक, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद ऐसा प्रोडक्ट निकालते ही चली जाती है, और कई तरफ ऐसी कंपनीज है जो कि अपने पूरे मैन पावर लगा ले, पूरी इकोनॉमी लगा ले अपनी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से एक प्रोडक्ट रिलीज कर पाती है। ऐसा क्या डिफरेंस है उन दोनों कंपनीज में? ऐसा क्या डिफरेंस है उन दोनों के सीईओज में? तो ये सारा का सारा डिफरेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। जो चीज़ हम मान लेते हैं ना वो हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे के जैसा है जिसे कुछ नहीं पता, जो हम उसे बताएंगे उसे वो सच मान लेगा। आवर सबकॉन्शियस माइंड विल फॉलो व्हाट वी रिपीटेडली थिंक, व्हाट वी रिपीटेडली डू। जो हम सोचते हैं उस चीज को कैप्चर कर लेगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड और वैसे ही एक्ट करने लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दिस नो बटन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक कैमरे के जैसा है जिसका कोई बटन नहीं है, जो हम जब चाहे स्विच ऑन कर दें, सब चाहे स्विच ऑफ कर दें, चाहे हम ऑब्जर्व कर रहे हों या ऑब्जर्व ना कर रहे हों, चाहे हमें पता हो या ना पता हो, हर एक चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेगा, हमारे लाइफ का हर एक मोमेंट रिकॉर्ड कर लेगा और फिर वही इफेक्ट हमें आगे आने वाली लाइफ में दिखाई देगा। Our subconscious mind is working all the time, whether we like it or not, whether we know it or not. Every action you take, every word you speak is noticed by the subconscious mind and then it transfers the signal to the unconscious mind. तुमने ये ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लासेस में, कॉलेजेस में या मीटिंग्स में हमेशा लेट पहुंचते हैं, 5 मिनट लेट हमेशा। तो ऐसा क्यों होता है? हैबिट ऑफ स्नूजिंग, हम सब की आदतें यही होती है कि अलार्म बज रहा है पर स्नूज कर देते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, या फिर जब टाइम एक्सीड हो जाए तो कहते हैं कि एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जाना हमने डिसाइड किया था और हम ही मना कर रहे हैं। वैसे तो कुछ नहीं होगा लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत कुछ हो जाएगा। इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, पहली वो जो हमारे कंट्रोल में है, दूसरी वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो यही हैबिट जो अलार्म स्नूजिंग का, रीचिंग ऑन टाइम, ये सारी जो हैबिट हैं जो हम अनकॉन्शियसली कर लेते हैं, तो वो हमारे ही माइंड रजिस्टर कर लेता है और ये सिग्नल दे देता है। हमारे कंट्रोल में है हमारा डेली रूटीन और हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है हमारा फ्यूचर। तो अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने डेली रूटीन्स को, तो हम अपने फ्यूचर को कैसे कंट्रोल करेंगे? वन थिंग यू शुड रिमेंबर, आवर बिगेस्ट एनमी इज नॉट आउटसाइड अस बट इनसाइड अस, और ये सारा डेली रूटीन is being registered by your subconscious mind. The time when your mind start doubting yourself because of your casual behavior, because of your non-completion of the task you have committed to yourself, then you lose the battle. You are saying something else in front of others and you are saying something else when you are alone. This conflict create confusion in your subconscious mind and damage your relation with your subconscious mind. तो अब हम कुछ बातें करेंगे कि अपने subconscious mind को कैसे train किया जाए कि वो हमारा best partner बन जाए. Whatever word you are speak has an immense power in it. जो भी तुम बोलते हो ना उसमें बहुत ज्यादा ताकत है, तो बहुत सोच समझ के बोलना, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज रेडी टू रिकॉर्ड इट। सो देयर इज अ सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज स्टैक अप सक्सेस, कि सुबह उठा,
जो कमिटमेंट किया वो पूरा कर लिया, छोटे छोटे सक्सेस को हम अचीव करते चले गए, तो हमारा माइंड ये सोचेगा कि ये अपने कमिटमेंट्स को पूरे कर रहा है एंड इट विल बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप। एंड एक बार ऐसा मोमेंट आएगा कि जब तुम्हारी मेंटेलिटी ये होगी कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, वॉट एवर आई विश आई कैन अचीव इट, और एक बार ये सबकॉन्शियस ने मान लिया तो वो चीज़ होने लग जाएगी। So two power will support you in training your subconscious mind. One is the commitment, another is the discipline. Commitment होता है, whether it's good or not, whether it's right or wrong, once I have decided to do it, I'll do it, no matter what. Discipline होता है कि doing the right thing at the right time, irrespective of whether we like it or not. So make sure whether you commit something with yourself, you have to do it at any cost. If you are working with this thought process, you will either find a way or make a way. Most of the people are struggling and suffering because they are postponing what is important for them, and they giving the reason for that is ki mood kharab hai. Aur jo winners hote hain, unka wo thinking hai ki mood chahe acha ho ya kharab ho, we will do it at any cost. Aur ek baar karenge to mood automatically acha ho jayega. Remember that you have to target the small success. Every small success when stack up together will bring a large transformation. What most of the people think is discipline is anti of freedom. कि अगर हम ज़्यादा disciplined हो जाएंगे तो हम अपनी आज़ादी खो देंगे. But the reality is discipline is the only route towards freedom. अगर हमारे पास freedom है लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, what is the purpose of our life, तो हमें कटे पतंग जैसे हैं, कहीं भी उड़ जाएंगे. If the whole world is believing you, but you are not believing on yourself, then you lose the game. But if whole world is against you, and you are believing on yourself, then nobody can stop you from achieving what you want. If you cannot run, then walk. And if you cannot walk, then crawl. But in every moment, you should move towards your goal. You will be amazed to know that what miracles you can do once your subconscious mind is in your side. So speak each word very carefully. Install this belief system in your subconscious mind that whatever I want, I can do it. So be very careful what you speak to yourself as well as to others. Remember that every small moment of your life is being recorded by your subconscious mind. So let's together make our subconscious mind the number one partners of our, so that we can achieve whatever we want to.